नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एरोमेटिसिटी। क्लियर? देखो भाई, एरोमेटिसिटी बेसिकली ये जो टॉपिक है वो आपका दो बार रिपीट हो रहा है। एक अपन ने जब यूनिट नंबर 4 पढ़ा था तो वहाँ पे भी अपन ने एरोमेटिसिटी की बात नहीं की थी, और यहाँ पे फर्स्ट यूनिट के अंदर भी एरोमेटिसिटी को मेंशन कर रखा है। तो हमने एरोमेटिसिटी को डिटेल से यूनिट नंबर 4 के अंदर पढ़ लिया है क्लासरूम के अंदर। तो आज हम एरोमेटिसिटी की थोड़ी ब्रीफ नॉलेज, थोड़ी संक्षिप्त जानकारी अपन लोग लेंगे कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे शो होती है, और इसके अंदर 2-3 रूल हैं, वो रूल किस तरीके से अप्लाई होते हैं, वो सारी बात हम लोग करेंगे साथ। क्लियर? तो देखो, एरोमेटिसिटी को हिंदी में अपन कहते हैं एरोमेटिकता। क्लियर? हिंदी में अपन एरोमेटिसिटी को बोलते हैं एरोमेटिकता। एरोमेटिसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? एरोमेटिकता। अब देखो, अब ये जो एरोमेटिसिटी होती है, जो एरोमेटिकता होती है, वो कौन से कंपाउंड शो करते हैं, है ना? मजेदार चीज ये है कि भाई अपनी जो एरोमेटिकता है वो कौन से कंपाउंड शो करते हैं। तो देखो, मैं क्या कह रहा हूँ साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि वे कंपाउंड, क्लियर, वे कंपाउंड जो साइक्लिक हो, कैसे हो? साइक्लिक। जो प्लेनर हो, कैसे हो? प्लेनर। और इसके अंदर क्या हो? कंप्लीट कंजुगेशन हो, तो साइक्लिक, प्लेनर और कंप्लीट कंजुगेशन। मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक हो, इट मीन्स कैसे हो? चक्रीय हो। साइक्लिक को हिंदी में बोलते हैं चक्रीय। क्लियर? प्लेनर का मतलब होता है समतलीय, कौन से वाले? समतलीय। और कंप्लीट कंजुगेशन का मतलब आप लोग समझते हो कि कंप्लीट कंजुगेशन को अपन हिंदी में कहते हैं संपूर्ण संयुग्म। क्या कहते हैं? संपूर्ण संयुग्म। तो ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक हो, जो प्लेनर हो और जिसके अंदर कंप्लीट कंजुगेशन पाया जाता है, क्या शो करते हैं? एरोमेटिसिटी। क्या शो करते हैं? एरोमेटिसिटी। देखो, यहाँ से अपन सबसे पहले वापस फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मैंने कहा कि भाई एरोमेटिसिटी के लिए अपना जो कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए। देखो, साइक्लिक का मतलब क्या? कि एक रिंग में बंद कंपाउंड, मतलब पैक्ड कंपाउंड होना चाहिए रिंग के अंदर। आपका हो सकता है चाहे वो कंपाउंड 3 मेंबर रिंग का हो, चाहे वो कंपाउंड आपका 4 मेंबर रिंग का हो, चाहे वो कंपाउंड आपका 5 मेंबर रिंग का हो, चाहे वो कंपाउंड आपका 6 मेंबर रिंग का हो। ये सारे के सारे कंपाउंड जो है वो कैसे हैं? साइक्लिक है। क्लियर? कैसे हैं? साइक्लिक है। ओके, इसके बाद मैं बात कर रहा हूं साहब, कंपाउंड हमारा होना चाहिए प्लेनर। प्लेनर का मतलब समतलीय। क्लियर? प्लेनर कंपाउंड हमारा होना चाहिए, मतलब कंपाउंड को आप अगर वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कट लगा हुआ है ना, या कंपाउंड को आप अगर किसी कंपाउंड को आप अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कट से काटो, तो कंपाउंड जो है वो कंप्लीटली 2 पार्ट में कटना चाहिए। ये हो गई कंडीशन नंबर 2। क्लियर? अब कंडीशन नंबर 2 के बाद हम जो कंडीशन नंबर 3 की बात कर रहे होते हैं, तो तीसरी कंडीशन क्या है? कंप्लीट कंजुगेशन। कहने का मतलब क्या? संपूर्ण संयुग्मन। और कंजुगेशन का मतलब आप लोग समझते हो अल्टरनेट रोटेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बोन। जिस प्रकार सिग्मा और पाई बोन के अंदर संयुग्मन होता है ना, तो वही संयुग्मन कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर? जैसे हम इस रिंग की बात करें, 6 मेंबर रिंग के अंदर सिग्मा और पाई बोन जो होते हैं वो 1-to-1 एक के बाद एक अल्टरनेट रोटेट होते रहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया कंप्लीट कंजुगेशन। तो एरोमेटिसिटी कौन से कंपाउंड शो करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक, प्लेनर और जिसके अंदर कंप्लीट कंजुगेशन हो, क्या शो करते हैं? एरोमेटिसिटी को शो करते हैं। क्लियर? इसके बाद एक चीज और आती है साहब, एरोमेटिसिटी के अंदर कंपाउंड जो होते हैं वो बेसिकली sp2 हाइब्रिड्स फॉर्म में होते हैं, वो अलग चीज है, उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भैया एरोमेटिकता क्या है, तो साहब एरोमेटिकता जो है वो ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जो साइक्लिक हो, जो प्लेनर हो और जिसके अंदर क्या हो? कंप्लीट कंजुगेशन हो। क्लियर? आगे हम बात करते हैं एरोमेटिसिटी जो होती है उसके टाइप्स की। देखो बच्चों, बेसिकली अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो
एरोमेटिसिटी जो होती है आपकी वो चार टाइप की होती है। कौन सी टाइप, कितने टाइप? चार टाइप की होती है एरोमेटिसिटी, चार टाइप की होती है। कौन कौन सी? तो एरोमेटिसिटी के अंदर सबसे पहले आते हैं आपके एरोमेटिक कंपाउंड। कौन से आते हैं? एरोमेटिक यौगिक, जिसको अपन बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? एरोमेटिक कंपाउंड के बाद नंबर दो पे आपके आते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बाद नंबर तीन पे अपन पढ़ते हैं साहब होमो एरोमेटिक कंपाउंड। और होमो एरोमेटिक कंपाउंड के बाद नंबर चार पे अपन देखते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेसिकली हम जब टाइप ऑफ एरोमेटिसिटी की बात करते हैं तो एरोमेटिसिटी जो है वो जनरली चार टाइप की होती है, और इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो टाइप है उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। नंबर दो जो दूसरा टाइप है उसको अपन बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। जो तीसरा टाइप है उसको अपन बोलते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड। और सबसे लास्ट के अंदर आता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? तो यहाँ पे अपन को बीएससी के लेवल तक केवल दो टाइप्स की बात करनी है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की। होमो और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अपने सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, तो होमो और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हमें फिलहाल बात करनी नहीं है। क्लियर? ओके, तो अपन अब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को पढ़ेंगे साहब, कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। क्लियर? देखो दोनों को अपन लोग कंपैरेटिवली देखते हैं, जो इनकी टर्म एंड कंडीशन जो है उसको अपन लोग कंपैरेटिवली देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और लिख रहा हूं एरोमेटिक कंपाउंड, और दूसरी और मैं लिख रहा हूं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक यौगिक। एंटी एरोमेटिक को अपन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं ए ए का मतलब क्या? एंटी एरोमेटिक। और इसको अपन सिंपली डिनोट कर लेते हैं ए से, ए का मतलब क्या? एरोमेटिक। क्लियर? देखो बच्चों, देखो यहाँ पे एक चीज कॉमन अपन को ध्यान रखनी है कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक बेसिकली किसके टाइप है? एरोमेटिसिटी के टाइप है। तो यहाँ पे एक चीज तो कॉमन होगी कि जो टर्म एंड कंडीशन अपन एरोमेटिसिटी के लिए अप्लाई कर रहे थे वही टर्म एंड कंडीशन इन दोनों के लिए भी अप्लाई होगी। तो क्या क्या? हमारा कंपाउंड जो है वो कैसा होना चाहिए? साइक्लिक। क्लियर? इसके बाद कैसा होना चाहिए? प्लैनर, मतलब समतलीय। क्लियर? इसके बाद कैसा होना चाहिए? इसके अंदर होना चाहिए संपूर्ण संयुग्मन, मतलब कंप्लीट कंजुगेशन। क्लियर? यहाँ पे भी यही टर्म एंड कंडीशन, कंपाउंड आपका होना चाहिए साइक्लिक, उसके बाद होना चाहिए समतलीय, और इसके अंदर होना चाहिए संपूर्ण संयुग्मन, तो कंप्लीट कंजुगेशन। संपूर्ण संयुग्मन भी आपके कंपाउंड के अंदर होना चाहिए। क्लियर? देखो यहां से एक नई चीज, देखो इन दोनों के अंदर एक एक रूल काम करता है साहब, इन दोनों के अंदर एक एक रूल काम करता है। तो एरोमेटिक के अंदर जो रूल आता है उसको अपन बोलते हैं हकल रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हकल रूल क्या होता है? बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? हकल रूल, देखो हकल रूल जो है वो क्या है? हकल रूल जो है वो 4n + 2π इलेक्ट्रॉन। क्लियर? 4n + 2π इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ध्यान रखना पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा ब्रैकेट के बाद में लिखा जाएगा। क्लियर? 4n + 2π इलेक्ट्रॉन, इसको अपन क्या बोलते हैं? हकल रूल। बेसिकली कहाँ काम आता है? एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। क्लियर? अब एंटी एरोमेटिक के अंदर एक रूल जो है वो काम में आता है, जिसको अपन बोलते हैं 4n π इलेक्ट्रॉन रूल। क्या बोलते हैं?
4 and 5 इलेक्ट्रॉन रूल। इस रूल को देने वाले साइंटिस्ट का नाम अपने पास लिए, जिसको बेसिकली अपन 4 and 5 इलेक्ट्रॉन रूल से ही शो करते हैं। देखो यहां से इंपॉर्टेंट चीज हकल रूल, क्योंकि बहुत सी बार 1 मार्क्स के अंदर या 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज हकल रूल। तो हकल रूल क्या है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ध्यान देने वाली बात है, यहां गलती के चांस क्या होते हैं कि बहुत से बच्चे पाई को अंदर लिख लेते हैं, तो पाई को हमेशा ब्रैकेट के बाहर लिखना है, ये चीज हमें यहां पे ध्यान रखनी पड़ेगी। तो बेसिकली हमने देख ली कि क्या होती है एरोमेटिसिटी, नंबर 1 एरोमेटिसिटी के टाइप्स देख लिए। एरोमेटिसिटी के अंदर हमें खाली एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की बात करनी है, तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के अंदर जो टर्म एंड कंडीशन हमने देख ली, और दोनों के अंदर एक एक रूल होता है, जैसे एरोमेटिक के अंदर हकल रूल होता है, तो हकल रूल को अपन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल कहते हैं, और एंटी एरोमेटिक के अंदर 4n + 5 इलेक्ट्रॉन रूल को बेसिकली काम में लिया जाता है। क्लियर। अब इसके बेस पे अपन एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। क्लियर। बहुत सी बार तो क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर में आ जाता है, भाई ये एरोमेटिक का क्या होता है उसको बता पाता है ये, तो अपन बेसिकली एरोमेटिसिटी को डिफाइन करके इसके टाइप्स कितने हैं 4, और बेसिकली अपने सिलेबस के अंदर एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक मेंशन है, तो उन दोनों के बारे में ही अपन लोगों को बताना है, उससे आगे अपन लोगों को जाना नहीं। क्लियर। अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करें। कुछ एग्जाम्पल अपन यहाँ पे लेते हैं, देखो बच्चों कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं और उसको चेक करते हैं साहब कि वो एग्जाम्पल क्या है, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक। क्लियर। कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल नंबर थर्ड एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 6 एग्जाम्पल नंबर 7 एग्जाम्पल नंबर 8। क्लियर। ओके बच्चों, इन एग्जांपल में से बहुत से एग्जांपल जो है वो एग्जाम में आ चुके, कई बार आ चुके हैं। क्लियर। ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको सिंपल से बात यहाँ पे बता दे रहा हूँ साहब। क्लियर। देखो यहाँ से आप अगर चाहो तो एक ट्रिक और कुछ चीजें आपको अगर ध्यान में रखोगे तो आराम से आप एरोमेटिसिटी को डिटेक्ट कर लोगे। देखो मैं यहाँ से एक ट्रिक भी आपको साथ में बता रहा हूँ, अगर हम हकल का फॉर्मूला अगर याद नहीं रहे तो हकल के फॉर्मूले को अप्लाई किए बिना हम लोग कैसे एरोमेटिसिटी को डिटेक्ट करें। क्लियर। डिटेक्ट करें। क्लियर। यहाँ से आप लोगों को देख ही रहा होगा, थोड़ा मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। क्लियर। अगर आपको हकल रूल याद नहीं हो तो बिना हकल रूल शॉर्ट ट्रिक से अपन कैसे कंपाउंड की एरोमेटिसिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। देखो यहां से आपको शुरू करना है 2 से, एरोमेटिक जो है वो आपको शुरू करना है 2 से, और एंटी एरोमेटिक जो है वो आपको शुरू करना है 0 से। क्लियर। देखो 2 + 4 कितने होते हैं 6, 6 + 4 कितने होते हैं 10, 10 + 4 कितने होते हैं 14, 14 + 4 कितने होते हैं 18, 0 + 4 कितना होता है 4, 4 + 4 कितना होता है 8, 8 + 4 कितना होता है 12, 12 + 4 कितना होता है 16, 16 + 4 कितना होता है 20, अगर यहाँ देखें कितना होता है 22। क्लियर। देखो यहाँ पे अपन रूल भी अप्लाई करेंगे और फॉर्मूले भी अप्लाई करेंगे। देखो बेसिकली हकल का जो फॉर्मूला है, हकल ने क्या कहा था, हकल रूल जो है उसको अपन देखें तो हकल साहब ये कह रहे हैं 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हकल साहब ने बोला। तो वो n का मतलब यहाँ पे होता है इंटीग्रल, और इंटीग्रल अपन बोलते हैं पूर्णांक, और पूर्णांक के रूप में आप 0, 1, 2, 3, 4 आदि यूज कर सकते हो।
क्लियर। टर्म एंड कंडीशन शॉर्ट ट्री पे देख लिए साहब, फकर साहब ने क्या बोला इसको भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम बात करेंगे एग्जांपल की, ये जो एग्जांपल हमने बोर्ड पे लिखे हैं उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे कि ये एग्जांपल क्या शो कर रहे हैं। क्लियर ओके। देखो भाई अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट में आपको बताऊंगा, उसको आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर। तो अगर किसी रिंग के अंदर एक पाई बॉन्ड हो, तो किसी रिंग के अंदर एक पाई बॉन्ड हो तो अपन एक पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, नंबर वन। क्लियर। नंबर टू ये याद और रखना है कि अगर किसी रिंग के ऊपर चाहे वो थ्री मेंबर हो, चाहे वो फोर मेंबर हो, चाहे वो फाइव मेंबर हो, चाहे वो सिक्स मेंबर हो। क्लियर। अगर थ्री मेंबर हो तो ऐसे आएगी, फोर हो तो ऐसे आएगी, फाइव हो तो ऐसे आएगी, सिक्स हो तो ऐसे आएगी। क्लियर। अगर किसी रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो इसके कोई भी इलेक्ट्रॉन अपन को काउंट करने नहीं है रिंग के ऊपर। क्लियर। नंबर तीन इसीलिए आपको ये याद रखनी है कि अगर किसी रिंग के ऊपर माइनस चार्ज लगा हुआ है तो माइनस चार्ज के दो इलेक्ट्रॉन को अपन को काउंट करना है। तो ये तीन चीजें अपन को मोटे मोटे तौर पर याद रखनी है। सबसे पहले मैंने क्या बताई कि अगर एक पाई इलेक्ट्रॉन हो तो कितने पे? एक पाई बॉन्ड हो, एक पाई बॉन्ड हो तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे? दो। अगर किसी रिंग के ऊपर प्लस चार्ज है तो क्या होगा? कोई भी इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा। अगर किसी रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं? दो इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। क्लियर। हबल रूल क्या है? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन और n रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे इंटीग्रल को, इंटीग्रल को अपने हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, और पूर्णांक जो होता है वो 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो सकता है। क्लियर। देखो सबसे पहले अपन बात करें साहब एग्जांपल नंबर फर्स्ट। क्लियर। एग्जांपल नंबर फर्स्ट आप लोगों को पता है कि साहब ये क्या है? बेंजीन। और बेंजीन बोले तो क्या? C6H6। क्लियर। देखो सबसे पहले इसकी एरोमेटिसिटी को चेक करना है कि ये बेंजीन हमारा एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो कैसे चेक करना? देखो इस एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस रिंग के अंदर कितने पाई बॉन्ड है। तो देखो बच्चों इस रिंग के अंदर कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? 1, 2 और 3। मैंने देख लिया कि इस रिंग के अंदर तीन पाई बॉन्ड है, ओके। और मैंने भी ये कहा कि एक पाई बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। अगर एक पाई बॉन्ड के पास दो इलेक्ट्रॉन तो तीन पाई बॉन्ड के पास कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। क्लियर कैसे? तो दो इसके और दो इसके। तो यहाँ पे इस रिंग के अंदर टोटल ऑफ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इस रिंग के अंदर क्या होंगे? 2, 4 और 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से हम यहाँ पे स्पीड के अंदर देखें तो किसमें आता है? A4 एरोमेटिक। तो बेंजीन जो बेसिकली आपका C6H6 है वो क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। वो क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। अगर मैं इसी चीज को हकल रूल के अंदर डाल के दिखाऊं, क्लियर। देखो हकल रूल के अंदर, हकल रूल क्या है? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 हमने लिख दिया, ठीक है। n का मतलब क्या? इंटीगर। जब हमें शॉर्ट ट्रिक से पता है कि यहाँ पे बेंजीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हम इंटीगर क्या लेंगे? 1 लेंगे प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 2 क्या? 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका आ गया। 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? एरोमेटिक है। जैसा कि अगर मैं अगर आप यहाँ पे इंटीगर भाई 0 ले लो तो भी ये कंपाउंड होगा तो एरोमेटिक। लेकिन हमने देखा कि साहब यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड मिलके 6 पाई इलेक्ट्रॉन का एक सिस्टम बनता है जो यहाँ पे एरोमेटिक नेचर को शो करता है। तो हमें इंटीग्रल ऐसा ही लेना है जिससे ये आपका एरोमेटिक हो जाए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या? एरोमेटिक। क्लियर। ये हो गया आपका बेंजीन। एग्जाम्पल नंबर 2 बताओ भाई, ये डब्बा क्या है? क्या बोलते हैं इसको बताओ, बताओ भाई कमेंट बॉक्स में लिखो ये डब्बा क्या है। इस डब्बे को अपन बोलते हैं एंथ्रेसीन, सॉरी नेफ्थलीन। क्या बोलते हैं? नेफ्थलीन। ओके भाई नेफ्थलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि भाई क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखो नेफ्थलीन का फॉर्मूला क्या होता है। नेफ्थलीन को बेसिकली लिखते हैं C10H8। क्लियर। अब देखो हमें ये देखना है कि आपका ये जो नेफ्थलीन है
वो किस टाइप की एरोमेटिसिटी को शो करता है। क्लियर? सबसे पहला काम क्या है, डब्बे को गौर से देखो साहब। क्लियर? गौर से देख लिया। दूसरा काम क्या, नंबर ऑफ पाइप बॉन्ड काउंट करो, कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। नंबर ऑफ पाइप बॉन्ड कितने हैं, 5 बॉन्ड। क्लियर? तीसरा काम क्या करना है कि भाई एक पाइप बॉन्ड कितने रखता है, 2 रखता है, तो 5 कितने रखेंगे, 10। तो ये हो जाएगा आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम। क्या हो जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज वायर का कोई लफड़ा है नहीं, है ना, चार्ज वायर का कोई लफड़ा है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अगर इसी को अपन हकल रूल से करें तो हकल रूल क्या बोलता है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें आ रहा है, एरोमेटिक के अंदर आ रहा है। तो एरोमेटिक क्या, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात, सिंपल सी बात है। ओके, तो हकल रूल के अंदर अपन हम लोग देखे थे, हकल रूल क्या, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। तो अगर नेपथेलियम के लिए हकल रूल अप्लाई करें तो 4, ठीक है, इंटीग्रल हम क्या लें, इंटीग्रल यहाँ पे 10 पाई दिख रहा है, हमें इंटीग्रल क्या लेना पड़ेगा, 2। क्लियर? 4n हो गया ये, प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 प्लस 8, 4 प्लस 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10, ये आपको हो गया 10 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन हकल रूल के द्वारा भी आ रहा है, नॉर्मल अपने शॉर्ट टेक से भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। ये जो तीसरा एग्जाम्पल है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन। क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट लिखो कमेंट बॉक्स में, जल्दी से लिखो। एंथ्रासीन का फॉर्मूला क्या होता है, एंथ्रासीन होता है C14H10। ये आपका हो गया फॉर्मूला, किसका हो गया, एंथ्रासीन का। क्लियर? हमें ये देखना है कि हमारा ये जो एंथ्रासीन है वो किस टाइप की एरोमेटिसिटी को शो करता है। तो सबसे पहले हमें क्या काउंट करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिनो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्लियर? नंबर 2, एक पाई बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2, है ना, तो 7 के पास कितने होंगे, 7 × 2 कितने हो गए, 14। ये हो गए आपके 14 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, 14 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ है भैया, ये रहा। तो ये जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एंथ्रासीन है वो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर? अब एंथ्रासीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर? अब यहाँ पे हकल रूल आप अप्लाई करो तो देखो, हकल रूल से भी आप लोग कर सकते हो। हकल रूल के अंदर देखो, 4n की जगह क्या रखना पड़ेगा, इंटीग्रल 3, तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो देखो 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 14 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये हकल रूल से भी हमने सॉल्व कर लिया। हकल रूल के अंदर जो हमारा इंटीग्रल है वो हमें पाई बॉन्ड को देख के ही लगाना है। क्लियर? अब एग्जांपल नंबर फर्स्ट को कर दिया, नेफ्थेल बेंजीन एरोमेटिक है, नेफ्थेलिन भी क्या है, एरोमेटिक है, एंथ्रासीन भी क्या है, एरोमेटिक है, उसको हमने शॉर्ट ट्रिक और हकल रूल दोनों से सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 की हम लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल नंबर 4, क्लियर, साइक्लोप्रोपेन है और इसके ऊपर कैटायन लगा हुआ है। क्लियर? यहाँ पे हमें देखना है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे चार्ज आ गया है, यहाँ पे चार्ज का लफड़ा है। और मैंने जब टर्म में एंड कंडीशन बताई थी तो मैंने आप लोगों को ये कहा था कि जब भी किसी कंपाउंड के ऊपर प्लस का साइन है तो कोई इलेक्ट्रॉन अपन को काउंट करने नहीं है। तो यहाँ पे खाली 1 पाई है और 1 पाई जो होता है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो ये हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम, जो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, जो क्या शो करेगा, एरोमेटिक नेचर को शो करेगा। यहाँ पे एग्जांपल नंबर नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, यहाँ पे ये 4 मेंबर की रिंग है और 4 मेंबर की रिंग के अंदर 2 पाई है, तो 1 पाई के अंदर 2, 2 के अंदर कितने, 4। तो ये हो जाएगा 2 + 2, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम जो है बेसिकली क्या शो कर रहा है, एंटी एरोमेटिक नेचर को शो कर रहा है, एंटी एरोमेटिक नेचर को शो कर रहा है। क्लियर? एग्जांपल नंबर नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 के अंदर साइक्लोप्रोपेन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज।
क्लियर। तो साइक्लोप्रोपेन एनायन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखें तो एक पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो। लेकिन इस रिंग के ऊपर क्या 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 लगा हुआ है? नेगेटिव का साइन। और मैंने कहा था कि सब सब जब रिंग के ऊपर नेगेटिव साइन लगे तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं? टू। तो ये टू प्लस टू क्या हो जाएगा? फोर। तो ये हो जाएगा सब फोर पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम। और फोर पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम जो है वो क्या शो कर रहा है? ये ए ए मतलब एंटी एरोमेटिक नेचर को शो करेगा। क्लियर। ये फाइव मेंबर की रिंग है, फाइव मेंबर की रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है? पॉजिटिव। क्लियर। तो देखो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात करें तो वो दो दो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है और एक पाई के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो। तो दो के पास कितने हो जाएंगे? चार। दो इसके और दो इलेक्ट्रॉन इसके। तो यहाँ पे फोर पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम लगा हुआ है। देखो यहाँ पे प्लस चार्ज काउंट है, यहाँ पे ऊपर चार्ज लगा हुआ कौन सा वाला? प्लस। मैंने पहले बोला है कि भाई प्लस जब भी रिंग के ऊपर लगे तो इलेक्ट्रॉन काउंटेबल नहीं होंगे। अब आते हैं लास्ट और अंतिम एग्जांपल। ये फाइव नंबर की रिंग है और फाइव नंबर की रिंग के अंदर देखो भाई कितने पाई बॉन्ड है? दो पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? दो होंगे, है ना। तो दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, दो पर दो कितने हो गए? चार। और साइन की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है और नेगेटिव साइन के हमेशा दो इलेक्ट्रॉन काउंटेबल होंगे। तो टू प्लस सिक्स, ये टू प्लस फोर, फोर प्लस टू, फोर प्लस टू, तो ये हो गया सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम जो अपने आप में एरोमेटिक नेचर को शो कर रहा होता है। तो दोस्तों ये हमने देख ली एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के लिए टर्म एंड कंडीशन क्या थी वो हमने देख ली। एरोमेटिसिटी के अंदर टाइप्स कितने हैं वो भी देख लिए, चार टाइप्स का होता है। और अपने जो सिलेबस के अंदर जो मेंशन है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड उसकी भी हम लोगों ने बात कर ली और उसके एग्जांपलों को हम लोगों ने देख लिया। और कुछ छोटी छोटी टर्म एंड कंडीशन जो चीज़ें हैं जो जो हमें ध्यान रखनी जरूरी है उसकी भी हम लोगों ने बात कर ली। तो ये यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है एरोमेटिसिटी। क्लियर। नेक्स्ट इसके अंदर एक और आता है साहब एजुलिन, है ना भाई। एजुलिन रिंग देखी होगी आपने कि एजुलिन के अंदर देखा होगा 7 प्लस 5 नंबर, ये दोनों रिंग, एक 7 नंबर रिंग और एक 5 नंबर रिंग, दोनों आपस में एक और दूसरे से अटैच्ड होती है और इनका कंप्लीट सिस्टम चलता है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम कंप्लीटली चलता है और एजुलिन भी एरोमेटिक नेचर को शो करता है। ये चीज हमने फोर्थ यूनिट के अंदर जब एरोमेटिसिटी की बात की थी तो हमने एजुलिन को वहां पर देख लिया था। साइक्लोऑक्टाटेट्राएनिल को भी हमने फोर्थ यूनिट के अंदर अच्छे से देख लिया था। ये बच्चों तो यहां से हमारा बाइंड अप होता है एरोमेटिसिटी। थैंक यू, धन्यवाद।